हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गेहूं के आटे का एकदम नया और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी नाश्ता। इस नाश्ते को आप मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं या फिर रात के खाने में भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देर किस बात की, चलिए फटाफट से इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो घंटी आती है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारे चैनल पर जब भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन यानी कि मैसेज आपको मिल सके और आप फटाफट से वीडियो को वॉच कर सकें। तो चलिए फ्रेंड, बिना किसी देरी के फटाफट से इस नाश्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे पोहा। तो यहाँ पे मैंने 1 कप जितना पोहा लिया है। तो पोहा आप कोई भी क्वालिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मोटे या पतले, जो भी आपके पास हो। तो यहाँ पर मैंने पतले वाले पोहे का इस्तेमाल किया है। पतले वाले पोहे की खासियत ये होती है कि जब भी आपको लेट हो रहा हो या फिर टाइम कम हो तो आप इन्हें बस वॉश कीजिए। वॉश करते ही हमारे ये पोहे अच्छे से फूल जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, फटाफट से इन्हें हम वॉश कर लेते हैं 1 से 2 पानी, ताकि इसके अंदर जो गंदगी है वो निकल आए। तो देखिए, पोहे को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है और वॉश करते ही हमारे जो पोहे हैं वो काफ़ी अच्छे से फूल जाते हैं। तो अब इसमें हम 1/4 कप जितना पानी और डालेंगे और पानी डालकर हम हाथों से इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। तो इसे आपको बहुत ज़्यादा मैश करने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्के हाथों से इसे अच्छे से मैश कीजिएगा, ताकि हमारे जो पोहे हैं वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं और इसमें बिल्कुल भी लम्स वगैरह ना रहे। तो देखिए, हमने इसे अच्छे से मैश कर लिया है। तो जैसे ही हमारे पोहे अच्छे से मैश हो जाएंगे, हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। तब तक कि अपने हम नाश्ते के लिए चटपटी सी चटनी तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड, चटपटी सी चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन में डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच के करीब तेल। और जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा, हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच जितना साबुत जीरा। 1/4 चम्मच जितना हम इसमें डाल देंगे सरसों दाना, यानी कि बड़ी वाली सरसों का दाना आपको डालना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच के करीब उड़द दाल। तो छिली हुई उड़द दाल का इस्तेमाल करना है। इसके साथ हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच के करीब चना दाल और 10 से 15 दाने हम इसमें डाल देंगे मूँगफली के। और इन सभी चीज़ों को हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से कुक करेंगे। तो दाल को हम लो टू मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से कुक करेंगे, जब तक कि हमारी दाल का कच्चापन दूर नहीं हो जाता और इसका जो कलर है वो थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। तो दाल हमारी अच्छे से कुक हो चुकी है। तो अब इसमें डालेंगे थोड़े से करी पत्ते और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप प्याज को स्किप कर सकते हैं। तो प्याज को डालकर हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 बारीक कटे हुए टमाटर। तो इन दोनों ही चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 कप जितना पानी, ताकि हमारी जो दाल है उसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए और वो ज़्यादा चले नहीं। तो इस तरह से हम इसमें पानी डाल देंगे और इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप्स दे देती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी चटनी बहुत ही ज़्यादा चटपटी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी बने, तो आपको उसमें हमेशा नमक कम डालना है। तो चटनी बनाते वक्त अगर नमक आप कम डालेंगे तो चटनी के सारे फ्लेवर आपको बहुत ही अच्छे से आएंगे। तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए, हमने नमक डालकर अब इसे अच्छे से कुक करना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही कुक करेंगे। आप चाहें तो इसे ढककर भी कुक कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा प्याज और टमाटर हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है। तो अब अपनी गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो जैसे ही हमारी ये सारी चीज़ें अच्छे से ठंडी हो जाएगी, हम इसे एक मिक्सिंग जार में डाल देंगे। तो इन चीज़ों को डालने के बाद अब इसमें डालेंगे 2 लाल मिर्च। तो यहाँ पर मैंने लाल मिर्च को भिगो कर रखा था। इसके साथ मैंने इमली के पल्प को भी अच्छे से भिगो कर रखा था। तो जिस पानी में हमने इमली को भिगो कर रखा था, उस पानी को भी हम इसमें डाल देंगे और इसे डालकर हम इसे अच्छे से फाइनली पीस लेंगे। तो यहाँ पर चटनी को आपको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो चटनी है वो काफ़ी अच्छे से पीस गई है और इसकी जो थिकनेस है वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए, कितनी ज़्यादा टेम्पटिंग और कितनी ज़्यादा क्रीमी लग रही है हमारी ये चटनी। और आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका जो टेस्ट होता है वो आप कभी नहीं भूलेंगे। बहुत ही ज़्यादा चटपटी ये चटनी बनकर तैयार हो जाती है। इसका जो टेस्ट होता है वो हल्का सा खट्टा मीठा और बहुत ही हल्का सा नमकीन होता है। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो इसे अब हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसके लिए हम एक तड़का बना लेते हैं। तो फ्रेंड, तड़का बनाने के लिए हम एक पैन में 2 चम्मच के करीब घी गरम कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब छिली हुई उड़द की दाल। और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़े से सरसों के दाने। इन दोनों ही चीज़ों को हम अच्छे से चटकने देंगे। जैसे ही अच्छे से चटक जाएंगे, हम इसमें डालेंगे थोड़े से करी पत्ते और हमारा तड़का बनकर रेडी हो चुका है। अब इसे हम फटाफट से चटनी में डाल देंगे। तो बहुत ही कम समय लगता है हमारी इस चटनी को बनाने में और घर की चीज़ों में हमारी ये चटपटी सी चटनी रेडी हो जाती है। तो तड़के को हमने चटनी में अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब ये खाने के लिए एकदम रेडी हो चुकी है। आप इसे 1 से 2 दिन के लिए फ्रिज में रखकर भी खा सकते हैं। तो चटनी हमारी रेडी हो चुकी है। तो अब अपने पोहे को हम चेक कर लेंगे। तो देख सकते हैं कि हमारा जो पोहा है वो काफ़ी अच्छे से फूल गया है। तो अब इस टाइम पर हम इसमें डाल देंगे 1/2 कप जितना गेहूं का आटा। इससे हमारे नाश्ते में बहुत ही अच्छी सी बाइंडिंग आएगी। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1/2 कप जितना चावल का आटा। ये हमारे नाश्ते को बहुत ही अच्छा सा क्रिस्पीनेस देगा।
तो इन दोनों ही चीज़ों को डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच जितनी चिली फ्लेक्स। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसके साथ हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच जितना साबुत जीरा, और यहाँ पर हम इसमें डालेंगे 1 पिंच ऑफ हल्दी। तो हल्दी आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है। तो इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। उससे पहले हम इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज़ का उबला हुआ आलू। तो इसे हम हाथों से इस तरह से मैश करके डाल देंगे। इसे आपको कद्दूकस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हाथों से आप इसे अच्छे से मैश कर दीजिएगा। अगर आपके पास उबला हुआ आलू नहीं है तो आप इसे टोटल स्किप कर सकते हैं, लेकिन उबले हुए आलू को डालने से हमारे नाश्ते में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। तो अब हम इसमें धीरे धीरे करके पानी डालेंगे और इसका हम एक अच्छा सा बैटर तैयार करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, पानी आपको बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं डालना है, धीरे धीरे करके डालना है ताकि आपको पता चल सके कि हमारी जो बैटर की कंसिस्टेंसी है वो क्या होनी चाहिए। तो इसे आपको अच्छे से मिक्स करते जाना है। इसके अंदर जो आलू के लम्स होंगे वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। इस तरह से आप इसे अच्छे से मिक्स कीजिएगा। तो देखिए, धीरे धीरे हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और हमारा जो बैटर है वो काफ़ी अच्छे से स्मूथ हो चुका है। तो इसी तरह का बैटर हमारा होना चाहिए। तो अब फटाफट से हम इसमें थोड़ी सी सब्जियाँ डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज। अगर आप प्याज पसंद नहीं करते हैं तो आप प्याज को स्किप कर सकते हैं। इसके साथ हम इसमें डालेंगे 1 बारीक कटा हुआ टमाटर। टमाटर के साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो हरी मिर्च आप अपने स्पाइस के अकॉर्डिंग डालिएगा। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी फ्रेश बारीक कटी हुई हरी धनिया। अगर आपके पास करी पत्ता हो तो आप उसे भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इन सभी सब्जियों को हम अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लाइक शिमला मिर्च और गाजर। तो देखिए, हमने सारी सब्जियों को इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी भी हमारा जो बैटर है वो थोड़ा सा गाढ़ा है। तो अब हम इसमें 1/2 कप जितना पानी और डालेंगे और पानी डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बैटर हमारा जो होना चाहिए वो कुछ इस तरह का होना चाहिए कि जब हम इसे चम्मच से पोर करें तो वो बहुत ही ईजिली पोर हो जाए। तो बस इसी तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो अब अपने बैटर में हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, और नमक के साथ ही हम इसमें डालेंगे 1/2 नींबू का रस। नींबू का रस डालने से हमारे नाश्ते में बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो इसे आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप इसकी जगह पर अमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप 2 चम्मच के करीब दही का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करते ही हमारा जो बैटर है वो नाश्ता बनाने के लिए एकदम परफेक्टली रेडी हो चुका है। तो इसे आपको रेस्ट देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब फटाफट से हम इसे अपना नाश्ता तैयार करेंगे। तो नाश्ता बनाने के लिए अब चलते हैं अपनी गैस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक नॉनस्टिक पैन ले लिया है। तो सबसे पहले हम अपने पैन में डालेंगे 1 से 2 चम्मच के करीब देसी घी। तो यहाँ पे मैंने मेल्टेड घी का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसे तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन घी में जब बनाएंगे तो इसका जो टेस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो घी डालने के बाद जैसे ही हमारा घी गर्म हो जाएगा, हमने जो अपना बैटर तैयार किया था उसे हम 2 चम्मच के करीब इस तरह से इसे गोलाई से फैला देंगे, जैसे हम चिल्ला वगैरह को फैलाते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं कि इसे हमने अच्छे से शेप दे दिया है। तो अब अपने नाश्ते को हम लो टू मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे। जब तक कि इसकी एक साइड अच्छे से क्रिस्प नहीं हो जाती और ये एक साइड से अच्छे से पक नहीं जाता, तब तक कि इसे बिल्कुल भी पलटना नहीं है। तो 1 से 2 मिनट में ही हमारा जो नाश्ता है वो बहुत ही अच्छे से कुक हो जाता है। लेकिन जब तक इसकी किनारे की साइड अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाती, लाइक जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से आप देख सकते हैं, तो जब तक इसकी साइड अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाती और ये काफ़ी अच्छे से कुक नहीं हो जाता, तब तक कि आपको इसे बिल्कुल भी चम्मच नहीं लगाना है। जब इसकी किनारे की साइड अच्छे से कुक हो जाए तब आप इसे चम्मच से पलट सकते हैं। तो देखिए कितना प्यारा सा कलर आया है हमारे नाश्ते में, और आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा अच्छे से हमारा नाश्ता क्रिस्पी हो रहा है। तो इसी तरह से हम इसे पलट कर दूसरी साइड भी अच्छे से क्रिस्पी कर लेंगे, और जब ये दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा तो ये खुद ब खुद पैन को छोड़ देगा। तो अब इसे हम इस तरह से पलट लेंगे, और आप देख सकते हैं कि हमारा जो पहला नाश्ता है वो बनकर रेडी हो चुका है। तो इसी तरह से हम अपने दूसरे नाश्ते को भी बना लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड, दूसरे नाश्ते को भी बनाकर हम दिखा देते हैं। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा तेल डालना है और तेल को हल्का सा गर्म होने देना है। जब तेल अच्छे से गर्म होगा तब आपका नाश्ता बहुत ही जल्दी कुक होगा। अगर आप ठंडे तेल में इसे डालेंगे तो आपका नाश्ता बहुत ज़्यादा पैन में चिपक जाएगा। तो इसलिए जब तेल गर्म हो तभी आप अपने नाश्ते को डालिए, और नाश्ते को अच्छे से फैलाइए और इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लीजिए। जब तक हमारा नाश्ता एक साइड से अच्छे से परफेक्टली कुक नहीं हो जाता, तब तक कि आपको इसे बिल्कुल भी चम्मच नहीं लगाना है। अगर हो सके तो आपको इसे पैन को ही हल्का सा हिला देना है, ताकि हमारा जो नाश्ता है वो बीच से बिल्कुल भी क्रैक नहीं हो। अगर आप इसे चम्मच से बिल्कुल भी पलट नहीं पाते हैं तो आप इस तरह से पैन को अच्छे से हिलाइए, ताकि हमारा जो नाश्ता है वो पैन को छोड़ दे, और जब ये अच्छे से पैन को छोड़ देगा तब आप इसे पलट लीजिएगा इस तरह से। तो इसी तरह से आप सभी नाश्ते को बनाकर रेडी कर लीजिएगा। तो अब हम फटाफट से इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो हमने जो अपनी चटनी तैयार की थी उसे भी हम साइड में रख लेंगे, और आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है हमारा ये नाश्ता। तो चलिए फ्रेंड, मैं आपको इसे तोड़ कर भी दिखा देती हूँ कि बाहर से जितना क्रिस्पी है अंदर से उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट है।
इसे आप मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं। तो फटाफट से इसे बनाइए और इस चटपटी सी चटनी के साथ इसे इंजॉय कीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी नई मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।